नमस्कार, मैं जेसिका आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। गांधी जी ने आज के दिन दक्षिण अफ्रीका में निकाला था ग्रेट मार्च। दमनकारी कानून के खिलाफ गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 6 नवंबर 1913 को द ग्रेट मार्च निकाला था। इसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में नटाल तक मार्च किया था। मार्च का नेतृत्व करने पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह जमानत पर छूटे तो फिर मार्च में शामिल हो गए। इस पर गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में यह सिलसिला टूटा और गांधी जी की जीत हुई। गांधी जी और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के प्रतिनिधि जनरल जॉन सिम्स की वार्ता के बाद भारतीय राहत विधेयक पास हुआ और भारतीय नागरिकों को काले कानून से आजादी मिली। जापान ने आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी अंडमान निकोबार की बागडोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस दौरान जापान ने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर अंडमान निकोबार से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया था और इन द्वीपों की कमान 6 नवंबर 1943 को नेताजी की अंतरिम सरकार को सौंप दी थी। इसके बाद 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले स्वतंत्र भारत के अहम हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यूनियन जैक उतार कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बास्केटबॉल के जनक जेम्स नाइस्मिथ का आज के दिन हुआ था जन्म। दुनिया को बास्केटबॉल देने वाले जेम्स नाइस्मिथ का जन्म 6 नवंबर 1861 को कनाडा के ओंटारियो के अल्मोंटे में हुआ था। उन्होंने 1891 में बास्केटबॉल का आविष्कार किया था और इस खेल के मुख्य 13 नियम लिखे थे। जेम्स नाइस्मिथ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कांस से बास्केटबॉल कार्यक्रम की स्थापना की और बास्केटबॉल को ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। 1904 ओलंपिक में पहली बार बास्केटबॉल को लोगों के बीच लाया गया और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इसे आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था। जेम्स शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक थे और कनाडा की भीषण सर्दी में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए बास्केटबॉल की रचना की थी। अब्राहम लिंकन आज के दिन चुने गए थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन 6 नवंबर 1861 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले वह पहले रिपब्लिकन थे। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से उबारा और दास प्रथा का अंत कर नए अमेरिका की रचना की। गरीब परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन वकील, लाइसेंस स्टेट के लेजिस्लेटर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य भी रहे। वे 2 बार सीनेट के चुनाव में असफल भी रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।